तो चलिए, आप देख रहे हैं क्रिकेट से है, तो आज बात करेंगे जो कि कल तीसरा T20 खेला जाना है श्रीलंका और इंडिया के बीच 10 तारीख को। तो पहले बात करते हैं श्रीलंका टीम की, ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको कल शानदार खेल दिखाना होगा अगर श्रीलंका को मैच जीतना है। तो पहले आते हैं कुशल परेरा, क्योंकि काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं और उनके भारत के खिलाफ आंकड़े भी शानदार हैं कुशल परेरा के। लसिथ मलिंगा बड़ा नाम तो है, लेकिन उस नाम पे खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। तो लसिथ मलिंगा को भी अपनी बॉलिंग में धार डालनी होगी जैसे वो पहले बॉलर थे। हालांकि अब उम्र के साथ साथ उनकी पेस तो कम हुई है, लेकिन लसिथ मलिंगा बड़ा नाम है अगर क्रिकेट में हम बात करें तो। अविष्का फर्नांडो, जैसा कि पिछले मैच में शुरुआत उन्होंने अच्छी दिलवाई थी, लेकिन उसके बाद जल्दी वो आउट हो गए थे अविष्का फर्नांडो। ऐसे काफ़ी खिलाड़ी हैं जो जिन प्रतिभा तो है लेकिन उनके रन नहीं निकल रहे हैं, जैसे गुना तिलका, उन्होंने भी दिखाया है कि वो भी खेल सकते हैं। जैसे कि आपको एक चैंपियन ट्रॉफी का मैच याद होगा जहां गुना तिलका और कुशल मेंडिस के बीच काफ़ी अच्छी साझेदारी रही थी और श्रीलंका ने भारत को हरा दिया था। मैं बात कर रहा हूँ 2.5 साल पहले की, जो कि चैंपियन ट्रॉफी खेली गई थी। तो काफ़ी टैलेंट तो है गुना तिलका में, लेकिन रन तो उन्हें बनाने ही होंगे क्योंकि श्रीलंका अपने स्क्वाड में 8 बैट्समैन लाई है, उनमें से 4 से 5 बैट्समैन वर्ल्ड कप जाएंगे। तो अगर उन्हें वर्ल्ड कप जाना है तो रन तो बनाने होंगे। राजापक्षा, जैसे मैंने बात की, मैंने उन्हें देखा है खेलते हुए, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है राजापक्षा। काफ़ी नीचे उन्हें बैटिंग करने भेजा था पिछले मैच में, मैं चाहूँगा कि नंबर 4 पर उन्हें बल्लेबाजी कराएं क्योंकि काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग वो करते हैं। मैंने उन्हें T20 लीग में भी देखा है और श्रीलंका के लिए भी पहले T20 में खेलते हुए देखा है, तो काफ़ी घातक हो सकते हैं वो। और लसिथ मलिंगा को जैसा मैंने कहा फॉर्म में आना होगा। और अगर बात करें तो क्या तीसरे T20 में एंजेलो मैथ्यूज़ को वापस लाएंगे, क्योंकि काफ़ी सीनियर खिलाड़ी है एंजेलो मैथ्यूज़ अगर हम श्रीलंका क्रिकेट की बात करें तो। और नीरज ओंटिगवेला भी बाहर है, कुशल मेंडिस भी बाहर है। तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो श्रीलंका की टीम से कल बाहर हो सकता है? मेरा ये मानना है कि डी सिल्वा को बाहर बैठाना चाहिए और उनकी जगह एंजेलो मैथ्यूज़ को टीम में आना चाहिए क्योंकि काफ़ी सीनियर खिलाड़ी है। हालांकि T20 में उनका प्रदर्शन इतना खास ना रहा हो, लेकिन बड़े खिलाड़ी तो हैं ही एंजेलो मैथ्यूज़। तो मुझे लगता है एंजेलो मैथ्यूज़ को कल लाना होगा। और श्रीलंका का एक ही गेंदबाज था जो लगा कि ये गेंदबाजी कर सकता है, भारत के बल्लेबाजों को संकट में डाल सकता है, उसका नाम था हसरंगा। हसरंगा ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, लेग स्पिनर है, गुगली उनके पास है और उन्होंने 2 विकेटें भी लिए। तो हसरंगा को छोड़ के ऐसा कोई गेंदबाज लगा नहीं मुझे जो भारत के बल्लेबाजों को संकट में डाल सकता है। और अगर कल पिच की बात करें तो मैं चाहूँगा अगर भारत टॉस हारे, मैं पहली बार चाहूँगा भारत कोई चीज़ हारे वो चाहे टॉस, क्योंकि भारत टॉस जीत जाता है और फिर श्रीलंका बैटिंग करने आता है, फिर श्रीलंका बनाता है 150, 140, 142, तो ये स्कोर मज़ा नहीं आता चीज़ देखने में। मैं चाहूँगा कल पहले बल्लेबाजी भारत की आए ताकि जिन प्लेयरों को जवाब देने हैं वो अच्छे से जवाब दे पाएँ, जैसे कि शिखर धवन, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, बल्लेबाजी में इनको जवाब देने हैं सिलेक्टर को। तो मैं चाहूँगा भारत की बल्लेबाजी पहले आए और काफ़ी अच्छा स्कोर भारत बनाए, 200, 180, क्योंकि भारत जब भी श्रीलंका से मैच होता है तो श्रीलंका के पास वो बल्लेबाज नहीं है कि जो कंसिस्टेंसी से के साथ 200 रन बनाते रहे। तो मैं चाहूँगा भारत की पहले बल्लेबाजी का लाए। और वैसे जो कि BCCI प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है काफ़ी टैलेंटेड बल्लेबाज है ऋषभ पंत और उनका सिलेक्शन हम सिलेक्टर पर छोड़ दीजिए। यानी कि मतलब ये है कि न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ भी ऋषभ पंत ही जाएंगे, दारा का यह बयान सामने आया है। तो बात की मैंने श्रीलंका की टीम को लेके, अब बात करते हैं भारत की टीम को लेके, कौन कौन से कल चेंजेस हो सकते हैं? मुझे लगता नहीं चेंजेस, मुझे लगता है अगर चेंज होगा भी तो शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी के बीच में होगा। तो मुझे लगता है इनमें से अगर किसी को बाहर भेजेंगे तो शार्दुल ठाकुर को भेजेंगे, उनकी जगह क्या पता एक्स्ट्रा स्पिनर खिला रहे हैं, पिच के हिसाब से अगर कॉम्बिनेशन सही बैठा तो शार्दुल ठाकुर बाहर होंगे। वैसे तो मुझे लगता है सेम प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए। अब बहुत लोगों की मेरे बातों से लग रहा होगा कि संजू सैमसन का मौका कम मिलेगा क्योंकि 8 कंसिक्यूटिव मैच से वो बाहर है। एक जो टैलेंटेड खिलाड़ी होता है उसे इतना भार भी नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज हो जाता है। तो मुझे लगता है संजू सैमसन को अभी भी मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि अगली सीरीज़ में भी मुझे लगता नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत को वो मौका दे रहे हैं और ऋषभ पंत का अगर हम हालिया में फॉर्म देखें तो वापस आया है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ODI में 71 पहले मैच में और उसके बाद 14 बॉलों में 38 रन दूसरे मैच में ऋषभ पंत ने मारे थे। तो मुझे लगता है अभी ऋषभ पंत ही खेलेंगे और संजू सैमसन को मौका तब मिलेगा जब किसी को आराम मिल जाए, या तो शिखर धवन ओपनिंग में अच्छा ना खेल पाएँ और रोहित शर्मा को आराम मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रोहित शर्मा को इस सीरीज़ में आराम मिला है, अब वो खेलते रहेंगे इंडिया के लिए। तो शिखर धवन को कल जब रन बनाने होंगे क्योंकि दबाव उन पर काफ़ी है, KL राहुल पीछे से बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बीवीएस लक्ष्मण ने अपनी T20 टीम भी अनाउंस कर दिया है जिसमें शिखर धवन और MS धोनी का नाम नहीं है, नवदीप सैनी का नाम भी उसमें नहीं है, उसमें दीपक चहर का नाम है। विकेट कीपर के तौर पर उन्होंने ऋषभ पंत का नाम लिया अपना जो उन्होंने T20 स्क्वाड बताया।
तो अब देखना होगा शिखर धवन को रन मारने होंगे अगर उन्हें टीम में रहना है तो, क्योंकि पीछे भी काफ़ी टैलेंटेड बल्लेबाज आ रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ की। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा बाद में, अब उनके बात करेंगे एक दो हफ्ते बाद, क्योंकि बहुत जो उनका हो रहा है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा नहीं चल रहा है, उनका बिहेवियर जो एटीट्यूड है वो उनको इंटरनेशनल करियर में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो उनकी बात बाद में करेंगे पूरी अच्छे से बात जान के मैं आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं ऋषभ पंत, क्योंकि उन पर भी काफ़ी प्रेशर था वेस्टइंडीज सीरीज से पहले कि ये रन क्यों नहीं मार रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका मिले जा रहा था और अब वो रन मार रहे हैं। तो मुझे लगता है कल का मैच भी ऋषभ पंत खेलेंगे, कल का मैच ही नहीं वो न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ भी खेलते हुए आपको दिखेंगे, जो कि 5 मैच की T20 सीरीज़ 24 जनवरी से स्टार्ट होनी है। अब बॉलिंग में वाशिंगटन सुंदर, पहले मैच में फील्डिंग और गेंदबाजी दोनों ही उन्होंने अच्छी की, तो मुझे लगता है वो अभी रहेंगे टीम के साथ। बस शिखर धवन और ऋषभ पंत ऐसे हैं जिनको दिखाना होगा अपना खेल, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी अच्छा खेलते आ रहे हैं और तीसरे नंबर पर विराट कोहली, तो फिर विराट कोहली हैं और ओपनिंग में KL राहुल, तो शिखर धवन के पास कर आखिरी मौका है, क्योंकि वनडे सीरीज़ में रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे और अगली T20 सीरीज़ में भी रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे, तो देखना होगा शिखर धवन का खेल कैसा रहता है कल। मेरा ये मानना है अगर वो कल अच्छा नहीं खेलते तो टीम से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा T20 टीम से, पर मेरा ये मानना है ODI टीम में अभी उन्हें ही ओपनिंग करानी चाहिए। हालांकि रोहित शर्मा और KL राहुल ODI में बहुत अच्छी ओपनिंग साझेदारी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड देखें तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है और काफ़ी शिखर धवन का जो खेल है ODI में काफ़ी शानदार रहा है। हालांकि पिछले साल वो चोटिल अंदर बाहर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है ODI में शिखर धवन को ही मौका मिलना चाहिए और T20 में KL राहुल और रोहित शर्मा। तो ये मैंने बात की जो कल मैच होना है इंडिया और श्रीलंका का तीसरा T20। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि कल क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम डालने वाले हैं। आपको कमेंट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ तो आप वीडियो में कमेंट करिए क्वेश्चन जो आपको पूछना है, या अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, हमारी इंस्टाग्राम आईडी क्रिकेट से है, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।